मेरे दिल नारे लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नारे लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आप देखो ऋषभ चौधरी ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो और मेरा नाम है ऋषभ। सबसे पहले आप लोगों को भाई टाइम दिखाता हूँ भाई, 5:05 हो रहे हैं और भाई अभी भी तुम्हारा भाई शूट कर रहा है भाई। ये सुबह के 5:05 AM है। तो दोस्तों ये वाली गाड़ी हमारे पास भाई गुड़गांव से आई थी और गाड़ी का नंबर है भाई HR90 और गुड़गांव नंबर है अपना HR26। तो भाई HR90 के बंदे गुड़गांव में रहते हैं जिनकी ये गाड़ी है। तो दोस्तों ये पूरी गाड़ी ना जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाला इंटीरियर था भाई ब्रिज़ा में हमारा, जो पर्शियन ग्रीन और व्हाइट वाला इंटीरियर कर दो और भाई हाइड्रोटिप वगैरह कर दो, वो हमने इस गाड़ी के अंदर करा है। सो बिना किसी देरी के करते हैं आज की शो और दिखाते हैं भाई दीपक भाई के साथ हमने इस गाड़ी के अंदर क्या क्या काम किया है। लेट्स गो। सो भाई लोगे जैसा देख रहे हो आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले मिस्टर दीपक भाई। राम राम भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो भाई टाइम मैंने बताया तो भाई देख सकते हो भाई टाइम आज ये देख सकते हो 5:06 AM सुबह का, सुबह के भाई। और हम कहाँ पर है? अपनी नए वाले आउटलेट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये तो आज जो हमने शिफ्ट लगाई भाई 24 घंटे से ऊपर होगी। 24 घंटे से ऊपर भी है, सेम डे काम करके दिया हमने। बिल्कुल। और गाड़ी जो पूरी हाइड्रोटिप वगैरह कह लो, इंटीरियर कह लो, फुली मॉडिफिकेशन जो होती है ना, हाँ जी, वो वॉइस के अंदर बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या प्राइस रहने वाला और क्या क्या वर्क हुआ। बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं भाई, क्या क्या काम करा है आज? सबसे पहले भैया फ्रंट से फॉगलाइट लगे हुए लेकिन वो बंद है। हाँ जी हाँ जी। हेडलाइट चालू है। बिल्कुल। हमने जो फॉगलाइट की वर्किंग करी है वो ओरिजिनल स्विच के साथ करी है। सिंगल टैप आपके फॉगलाइट भी ऑन हो जाएंगे। ठीक है। हाँ भाई, बंद भी हो जाएंगे। हेडलाइट आपका ऑन रहेगा। हाँ जी हाँ जी। और फॉगलाइट में एलईडी वाला हमने सिस्टम डाला और हेडलाइट में हमने एलईडी लगाई है। ठीक है जी। 250 वाट के हमने हेडलाइट में एलईडी लगाई है। पार्किंग बल्ब वाइट हो गए। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद बात करें ग्रिल क्रोम जी, जो प्रॉपर हमारी आने वाली है मारुति सुजुकी की, फ्लैट 90% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है मारुति की जेन्युइन एक्सेसरीज पार्ट पे। ठीक है जी। जिसमें आपके डोर वाइजर, लोअर गार्निश, साइड फिटिंग, व्हील आर्क हो गए, ग्रिल गार्निश हो गई, फॉगलाइट गार्निश हो गई, ये सब एसेसरी रहती है। बहुत बढ़िया। हाँ जी भैया, अगर आप पूरा बेस्ट ऑफ वर्क करवाते हो तब जी। फॉगलाइट की हमने इसके ऊपर गार्निश लगा दी है, 90% फ्लैट डिस्काउंट के साथ रहने वाला आपको जो भी एसेसरी में बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत बढ़िया जी। साइड प्रोफाइल से बात करते भैया, फ्रंट में इतना ही काम था। साइड प्रोफाइल में देखोगे सबसे पहले एक बोनेट गार्निश हमने कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया इस गाड़ी पे। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद एक व्हीलर गार्निश देख सकते हो आप, ये वाला जो माउंटेन के साइन के साथ रहने वाला, ओरिजिनल की पहचान होती है माउंटेन साइन जी जी। 20,000 रुपये में हमने अलॉय व्हील लगा दिए विद ओरिजिनल कैप। ठीक है। चारों अलॉय व्हील आपके रिम लेकर के 20,000 रुपये में। ये देखो भाई रिम, आप देखो रिम दिखाता हूँ भाई, ये देखना इतने रिम मैं कह रहा हूँ कंपनी वालों के पास नहीं होंगे जितने हमने चेंज कर दिए हैं ना भाई। कर दिए भैया, बिल्कुल भैया जी भाई जी। अलॉय व्हील हमने चेंज कर दिया, साइड मिरर हमने कर दिया ऑटो फोल्डिंग। हाँ जी। सिंगल टैप, ये हमारा अलग से ही मॉडल था, सिंगल टैप आपको फोल्डिंग मिलने वाली है। ओके। और सिंगल टैप ही आपको ओपन भी मिलने वाला है, ऑटो फोल्डिंग मिलने वाली, ऑटो फोल्डिंग मिलने वाली है। मोटर डाला इसके हमने इसके अंदर जिसकी कॉस्टिंग 6,000 रुपये रहने वाली है आपकी सिर्फ और सिर्फ। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद करो, उसके बाद बात करें भैया एक रूफ रेल लगाया हमने इसके ऊपर पियानो फ्रेम वाला। ठीक है। जो मजबूती आप देख सकते हो गैलियो कंपनी का रहने वाला है प्रॉपर आपका। इसके बाद बात करें भैया एक डोर वाइजर लगाया हमने मारुति साइन के साथ। ठीक है। तो ये देखो माउंटेन का साइन यहाँ पे आ रहा है। जो भी एसेसरी लगी है भैया जेन्युइन लगी है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। लोअर विंडो गार्निश, जिसको आप लोअर गार्निश बोलते हो। हाँ जी हाँ जी। सेट ऑफ 6 पीस रहता है, 3 इधर का 3 उधर का। इस पे आपका हाथ वगैरह कुछ भी नहीं कटेगा, प्रॉपर मारुति का ओरिजिनल रहता है ये एसेसरी। हाँ जी हाँ जी। और इस पे कितने परसेंट ऑफ है? 90% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला भी आपको। ठीक है जी। इसके बाद बात करो कि हमने साइड फिटिंग लगा दी जो माउंटेन साइन के साथ रहने वाला है, सिल्वर और क्रोम के अंदर रहने वाला है ये। हाँ जी हाँ जी। भैया फुटरेस्ट कंपनी से लगवा करके आए थे, अगर आपको आफ्टर मार्केट फुटरेस्ट चाहिए तो 5,500 से लेकर के आपको 12,000-13,000 रुपए के फुटरेस्ट मिल जाते हैं ऑटो क्लासिक पे। बिल्कुल। और भाई हम कंपनी वाले फुटरेस्ट क्यों नहीं लगाते वो भी बता दो भैया। इसमें ना चढ़ने की जगह कम होती है। हाँ जी हाँ जी। और जो हमारे फुटरेस्ट रहते हैं वो आपको प्रॉपर आप ये जैसे कंपनी फिटेड है तो पूरा पैनल चेंज होकर के लगता है, जो हमारा फुटरेस्ट होता है वो रिमूवल भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपको रिमूव करना हो रोड के इसके चलते तो आप रिमूव भी कर सकते हो और लगवाना तो लगवा भी सकते हो। और ये पूरा ऐसे का पूरा भारी निकलेगा, पूरा भारी निकलेगा, पूरा पार्ट लेकर के निकलेगा अगर कभी कुछ होता है। हाँ जी। डोर पे हमने कर दिया डबल लेयर डैम्पिंग, जो आपके दरवाजों को मजबूत करने के लिए यूज होता है। म्यूजिक में क्लैरिटी हो गई, एसी में आपके ज्यादा वर्किंग इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है जी। डोर गार्ड लगा दिया भैया हमने इसके ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम रहने वाला ये भी हमारा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पैक प्रोफाइल से। हाँ जी।
बैक प्रोफाइल में भैया हमने रिफ्लेक्टर लगा दिए, ठीक है, जो आपको पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर तीनों चीज वर्किंग रहने वाला है। हाँ जी हाँ जी। बैक कैमरा लगा दिया, मूविंग बैक कैमरा रहने वाला आपका, ये देख सकते हो भाई बैक कैमरा। और भाई एक बार इसका बूट भी खोल के दिखा देते हैं भाइयों को, तो ये देखो भाई सीएनजी मॉडल रहने वाला था, जो सामान उतरा जैसा सामान उतरा हमने गाड़ी के अंदर एज इट इज डाल दिया उस चीज को, ठीक है जी। हाँ जी भैया, तो भाई ये देख सकते हो भाई, ये तो है कुछ इसका भाई पूरा एक्सटीरियर का लुक, गाड़ी आप बाहर से एक बार देख सकते हो, लेकिन ये जो अंदर से गाड़ी है ना, ये वो वाली बात है कि भाई हमने मारुति की गाड़ी को बनाया रेंज रोवर, रेंज रोवर बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले तो यार कितना प्यारा लग रहा है ना भाई दीपक भाई, बिल्कुल भैया। तो दीपक भाई अगर मैं बात करूँ तो भाई सीट कब बनाया, फैब्रिक कौन से इस्तेमाल हुआ भैया? हमारे इसमें शाका लेमिनेशन यूज हुआ है, जो इम्पोर्टेड शाका जिसको हम बोलते हैं जी, जिसके आप थाई सपोर्ट भी देख सकते हो, फिटमेंट भी देख सकते हो, डिजाइन भी देख सकते हो, पर्शियन ग्रीन और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में रहने वाला है। इसकी गाड़ी के अंदर हमने पूरा इंटीरियर किया, क्या क्या किया कैसे किया वो हम आपको गाड़ी के अंदर बैठ करके बताते हैं। और भाई बात करो तो भाई आर्मरेस्ट पीछे के हेडरेस्ट हमने कॉम्प्लीमेंट्री लगा दी 1 लाख से प्लस की बिलिंग पे। और भाई ये अपना आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट लगा दिया 2000 रुपए में विद ओरिजिनल आर्मरेस्ट स्लाइडिंग वाला, ठीक है। तो भाई एक बार अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के दिखाता हूं भाई। वैसे तो अब सुबह के समय काफी शोर हो रहा है, लेकिन फिर भी अंदर बैठ के आप लोगों को थोड़ा पता लग जाएगा भाई। अपनी जो गाड़ी है भाई डिफेंस की है, देख सकते हो प्रॉपरली। जी दीपक भाई अंदर आ गए हैं प्रॉपर भैया, जैसा आप सीट कवर देख सकते हो उसी से मैचिंग आपको डोर पैनल मिलने वाला है सॉफ्ट टच। हाँ जी हाँ जी। प्लस में आपको इसमें इंटीरियर में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पार्ट आपका हाइड्रोडिप हुआ और कैसे कैसे हमारा पैकेज रहता है इंटीरियर का। हाँ जी हाँ जी। अगर आप पूरा इंटीरियर मॉडिफिकेशन करवाते हो भैया, जैसे सीट कवर हो गए, ठीक है, डैशबोर्ड के पूरे पैनल्स हो गए, सेंटर कंसोल वाला एरिया भी आप देख सकते हो पूरा, आर्मरेस्ट के पीछे वाला पार्ट देख सकते हो, ठीक है, डोर पैनल पे सिल्वर पट्टी जहाँ पे आती है आपकी किट में वो भी देख सकते हो, और ग्रैब हैंडल प्लस में पावर विंडो पियानो, बहुत बढ़िया। इनर हैंडल देख सकते हो भैया, बिल्कुल। उसके बाद बात करें जो इसके अंदर की प्लेट है वो भी हमने इसके अंदर वो कर दिया हाइड्रोडिप, ये देखो भाई मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। हाँ जी ठीक है भाई, ग्लॉस ब्लैक में होगी, ग्लॉसी ब्लैक। फ्रंट डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं भाई, डैशबोर्ड में भी आप आउटर देख सकते हो, ठीक है, ब्लैक। प्लस में ये व्हाइट कार्बन का फिनिशिंग देख सकते हो और चॉकलेट कार्बन का फिनिशिंग देख सकते हो, ठीक है, पियानो ब्लैक, चॉकलेट कार्बन और व्हाइट कार्बन, ठीक है, तीन का थीम बना था इसके अंदर। पर्शियन ग्रीन के हमारे सीट कवर थे व्हाइट के साथ, ठीक है, ये पूरा लुक आप देख सकते हो। सेंटर कंसोल का एरिया आप देख सकते हो व्हाइट कार्बन में रहने वाला है। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद बात करें कि हमने स्टेयरिंग कवर भी इसके ऊपर रैप कर दिया है भैया, जो डुअल टोन हमारे स्टेयरिंग कवर रहने वाला है, स्टेयरिंग में हमने चेंज कर दिया इसमें नया ऑफर में 1500 रुपए में, ठीक है, हाँ, स्टेयरिंग का नया रेट आया हमारे पास 1500 और 2500। हाँ जी हाँ जी। उसके ऊपर के जो एयर बैग होते हैं हमने उसको भी हाइड्रोडिप कर दिया भैया, ठीक है, और सेम आप मीटर के फ्रेम को भी दिखा सकते हो, पूरा जो आपका पूरा इंटीरियर है वो आपका मॉडिफिकेशन वाला रहने वाला है भाई। ये देख सकते हो भाई, ये ना बहुत ही शानदार लग रहा है, आप देखो ना, मैं ऐसे दिखाता हूँ आप लोगों ने सिनेमेटिक देखेंगे भाई, देखना अब ये गाड़ी ना अंदर से ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई कोई वही अपनी मारुति की घटिया सी ब्रीजा चला रहे हैं, पुरानी ओल्ड स्कूल वाली। अपर एसी वेंट देख सकते हो भैया, टोटल सेशन देख सकते हो इसके अंदर, हमने इसको भी वाइड कर दिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी भैया। तो भाई ये देख सकते हो भाई, अगर बात करो तो भाई आज इसके अंदर फ्लोरिंग हुई है अपनी, फ्लोरिंग हुई है भैया क्रोकोडाइल वाली, ठीक है जी। हाँ जी। तो भाई देख सकते हो ये सारा इस गाड़ी के अंदर काम हुआ है। बात करो तो भाई स्पीकर्स की, और भाई आज ये भी है भाई सनग्लास होल्डर भी हमने इसके अंदर लगाया भैया, जो हमारा OEM फिटिंग में रहने वाला है, सिंगल टैप ओपन और सिंगल टैप ही आपका क्लोज रहने वाला है, ठीक है, और मारुति का ओरिजिनल रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए की रेंज में, किसी भाई को लगवाना आ सकते हैं। उसके बाद बात करें हम अपने स्टीरियो की, सबसे मेन, हाँ जी हाँ जी, हाइपर सोनी का स्टीरियो था भैया, 4GB और 32GB, 360 कंपेटेबल मॉडल है, अगर किसी भाई को 360 लगवाना है तो वो भी लगवा सकते हैं, भैया की नीड नहीं थी इसलिए बैक कैमरा के साथ हमने इसको एक्टिवेट किया बस, ठीक है जी। तो भाई आपको एक बार जो है इसके अंदर नो कॉपीराइट सॉन्ग सुनाते, फिर आप लोग बताना भाई आवाज कैसे लगेगा। इससे पहले बताओ स्पीकर कौन से, हर्ट्स के भैया हमने कंपोनेंट स्पीकर डाले फ्रंट टू डोर्स में, और हर्ट्स के कोएक्सल स्पीकर डाले बैक साइड, बिल्कुल। तो भाई अब आप लोग एक बार इसका आउटपुट सुनाते, फिर आप लोग बताना भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो भाई आप लोगों ने इसका म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ सुन ली, कि भाई जैसा देखा जाए तो भाई एक फैमिली के हिसाब से काफ़ी अच्छा आउटपुट है,
और काफी अच्छे वोकल्स और काफी अच्छी ट्वीटिंग है भाई। अगर मैं बात करूँ तो भाई अब करते हैं प्राइसिंग की मोटी मोटी बात। भाई सबसे पहले अमरेश का क्या प्राइस भैया? अगर बेस्ट ऑफ वर्क करवाते हो तो आपको अमरेश जो मिलने वाले हैं वो 2000 रुपए के रेंज में मिलने वाले। और सनग्लास होल्डर 2500 रुपए पूरे ओरिजिनल वर्क पे। और स्टेयरिंग, अगर स्टेयरिंग दो टाइप का होता है, आपको ZXI प्लस वाला और एक ZXI वाला। ये ZXI वाला है, इसकी कॉस्टिंग 1500 रुपए, ठीक है, और ZXI प्लस वाला 2500 रुपए। बिल्कुल। और अगर बात करूं तो भाई इस तरीके इंटीरियर के पैकेजेस कितने रुपए से स्टार्ट हैं? भैया जैसे इसमें पूरा इंटीरियर मॉडिफाई हुआ था और सीट कवर, डोर पैनल, डैशबोर्ड पूरे पार्ट हुए, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी पार्ट थे, उसकी अगर पूरी कॉस्टिंग बात करें तो 35 से 40 हजार रुपए के बीच में आपका पूरा वर्क हो जाता है। ठीक है ना जी भैया। तो भाई देख सकते हो भाई ये कुछ पैकेजिंग स्टार्ट। अगर बात करो तो भाई स्मार्ट कार्डिक K3 लगाइए, K4 लगाइए, K4 लगाइए भैया जो रनिंग लाइट रहने वाली है। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे इसका स्विच भी लगा दिया है कि भाई स्विच कंट्रोल करो, ऐप कंट्रोल करो, जैसा मन करे बस कंट्रोल करो और चलाओ। बिल्कुल भैया, प्लग एंड प्ले वाली बात है भाई। अगर मैं बात करूँ तो भाई स्पीकर इसके अंदर जो डाले उसकी गारंटी वारंटी कितनी है भैया? 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है हर्ट्ज के स्पीकर की। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो भाई हाइपरसोनिक वाली की इसका क्या सीन है? ये आपका स्टीरियो रहने वाला 4GB 32GB 360 कंपैटिबल मॉडल है। ठीक है। किसी भाई को 360 कैमरा भी इंस्टॉल करवाता है वो भी हो सकता है। ठीक है। हाँ जी भैया। तो भाई देख सकते हो ओवरऑल ये कुछ इस तरीके की गाड़ी में काम हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या भाई? मार्केट से, शोर से दूर आप आ सकते हो भाई। एक पूरा कैबिन में आपका वर्क हो जाएगा भाई इस तरीके से। भाई अपनी शॉप है भाई, प्रॉपरली आपको सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ मिल जाएगा भाई। अलॉय वगैरह आपको इधर दिखा दिए मैंने। अगर मैं बात करूँ तो भाई इस तरीके का काम कराना हो तो भाई गाड़ी के अंदर कितना खर्चा आ भैया? जैसे सारे वर्क अगर आप करवाते हो ब्रीजा में LXI से ZXI तो 1.25 लाख के आसपास का। बाकी स्टार्टिंग पैकेज की बात करो तो 30-40 हजार से आपको स्टार्टिंग मिल जाती है हमारे काम। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाई आप लोगों ने सारी वीडियो यहाँ पर देख लिया भाई। गाड़ी के जो ओनर है भाई, हमने तो सेम डे बोला था लेकिन वो भाई हमने यहाँ पे रूम ले लिया, वो जाके सो रहे हैं। और भाई आप भी देख सकते हो भाई इस टाइम हम भी पूरा हो गया भाई, देख सकते हो 5:19 हो गया, आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया है। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी क्वेरी तो कमेंट करके कॉल कर लेना। सही बात है भाई। बिल्कुल। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय। जय श्री श्याम।